अस्सलाम वालेकुम। मैं शाफ शिपो खुश आमदी बात करेंगे तेरे जाने के बाद के एपिसोड में, सिक्स के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आपने देखा रिश्ते की बात चल रही होती है, लेकिन बिल्कुल भी खुश नहीं होती है सज्जल, क्योंकि वो पसंद करती है उमेर को और वहीं पे दूसरी तरफ जो है उसको घर भेजा जाता है। आखिरकार वो घर चली जाती है। सज्जल की शादी की तैयारियां चल रही होती है, उसके लिए रिश्ते देखे जाते हैं। वो अपनी माँ से कहती है कि इस रिश्ते के लिए खुश नहीं है, उसका बाप होता तो ये सब कुछ नहीं करता। यशर की माँ कहती है हम लोग ये सब कुछ उसी के लिए कर रहे हैं। वहीं शायद सज्जल की तस्वीरों से दिखाई जाती है और उससे सज्जल काफी पसंद आती है। वहीं उमेर को उसकी भाभी मिलती है और दूसरी तरफ जो है वो काफी जो है वो परेशान से होते हैं। आने वाले एपिसोड में देखेंगे उसकी मुलाकात होती है और वो काफी खुश होते हैं दोनों, क्योंकि जब वो उससे बात कर लेते हैं उसकी भाभी को भी पता चल जाता है और उसका भाई जो है उसे बताता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो काफी हैरान होते हैं उसकी बहन। और वहीं हर्षित कहता है कि अगर मेरी शादी होगी तो इस लड़की से, क्योंकि मुझे ही पसंद है, वरना फिर किसी से भी मैं शायद शादी ना करूं। और दूसरी तरफ जो है वो अपनी माँ से कहती है कि लोगों से चीज़ों के साथ नहीं मिलकर लोगों के साथ मिलकर। और उसकी माँ कहती है कि मैं हम आज जहाँ चाहेंगे वहीं रिश्ता होगा। वहीं मंसूर मेरे के लिए सजल का रिश्ता लेके आता है और वहीं पर वो कहती है कि मेरी जिंदगी में वही होगा जो कि मैं चाहती हूँ। देखना ही आने वाले एपिसोड में क्या होगा, क्या सजल अपने भाई और अपनी माँ को मना सकेगी या नहीं। आप अपने कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा।